साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। मन की बात का 100वां एपिसोड सफल बनाने के लिए बीजेपी और सरकार ने कसी कमर, रिकॉर्ड बनाने का है लक्ष्य। भारत का पाकिस्तान को संदेश, एससीओ समिट में राजनाथ सिंह बोले प्राथमिकता आतंकवाद से निपटना होना चाहिए। WFI चीफ ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR, 1 पॉक्सो एक्ट में दूसरी अन्य बालिक खिलाड़ियों के आरोपों पर दर्ज की गई है। कर्नाटक में राहुल ने बारिश में जनसभा की, कहा बीजेपी सरकार 40% चोरी करती है, सीएम की पोस्ट 2500 करोड़ में बिकती है। जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, 33 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम दुष्यंत बने वरिष्ठ उपाध्यक्ष। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले जातिवाद राजनीति ने माफिया पैदा किए, आज तख्ती लटका कर जान की भीख मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता, जान बचाने को गुंडे माफिया जेल में है। बदायूं निकाय चुनाव में 2 धड़ों में बटी सपा, जिलाध्यक्ष और विधायक अलग, दावेदारों के समर्थन में उतरे असमंजस में वोटर हैं। मैदावल में भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, सांसद बोले विपक्ष जीतने नहीं बल्कि जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। निकाय चुनाव में भाजपा ने सीएम और मंत्रियों को उतारा, अखिलेश यादव 1 मई से करेंगे प्रचार, 10 महीने से यूपी नहीं आई हैं प्रियंका गांधी। ईरान ने कुवैत से अमेरिका जा रहे जहाज सीज किया, तेल टैंकर पर 24 भारतीय क्रू मेंबर, यूएस बुलाई है अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ। क्लाइमेट चेंज से अफ्रीका में सूखे की आशंका, 100% बढ़ी, तापमान बढ़ा, औसत से कम बारिश, सोमालिया में 1 साल में 83,000 मौतें हुई। वायुसेना ने रात में सूडान में 121 भारतीयों को निकाला, रनवे जर्जर था, नाइट विजन गॉगल्स ने विमान लैंड कराया। किंग चार्ल्स की ताजपोशी का काफिला लीड करेंगे पीएम सुनक, सुधा मूर्ति बोली मेरी बेटी अक्षता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। लोन मामले में बीसीबीसी चेयरमैन रिचर्ड शॉप का इस्तीफा, ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन को लोन में मदद की थी। सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीता लखनऊ पंजाब को, 56 रनों से हरा स्टोनिस काइल मेयर्स के अर्धशतक। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में चिराग सात्विक ने दोहराया इतिहास, मेस डबल्स कैटेगरी में 52 साल बाद भारत का पक्का मेडल। धोनी ने 183 रनों की पारी याद की, जयपुर में बोले उस पारी ने टीम इंडिया में 1 साल के लिए जगह फिक्स करा दी। पाकिस्तान ने वनडे फॉर्मेट में दर्ज की 500वीं जीत, न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 5 विकेट से हराया, फखर जमाना का शतक। आयरलैंड के खिलाफ प्रभात जयसूर्या ने अपने नाम किया बड़ा रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। आलिया भट्ट को मिला बेस्ट एक्टर फीमेल फिल्म फेयर अवार्ड, बोली गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग खत्म हुई तो हाथ कांप रहे थे। पीटी उषा पर भड़की पूजा भट्ट, बोली रेसलर्स को सपोर्ट करने की जगह उन्हें फटकार रही है, पीटी उषा ने पहलवानों को दी थी नसीहत। कलीना एयरपोर्ट पर नजर आई करीना कपूर, कूल एंड कम्फी लुक में दिखे स्टाइलिश, फैंस बोले सो ब्यूटीफुल बेबू।
बेबी डॉल गाने पर थिरकी सनी लियोनी, दुबई के इवेंट में हुई शामिल, फैंस ने कहा ये बहुत क्यूट है। सलमान ने खुद को प्यार में बताया बदकिस्मत, बोले आजकल बस लोगों का भाई हूं, किसी की भी जान नहीं हूं। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।